हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बिमला कुमावत, यू आर इंग्लिश टीचर. शैल वी स्टार्ट प्रीवियस रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3, फोर स्कॉलर्स. यस, सीन फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, नाउ सी सीन सेकंड. इन प्रीवियस आई एक्सप्लेन अप टू कैमल्स बॉडी, नाउ सी किंग से. आफ्टर द स्कॉलर्स डिस्क्राइब द कैमल, सी वॉट द किंग सेड. द किंग से वेरी इम्प्रेस्ड. देखिए पहले राजा क्या हो जाता है, उनकी सारी बातें सुन के इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है उनकी बातें सुनकर. दीज मैन आर वेरी वाइज. दीज मीन्स ये जो फोर स्कॉलर्स है वो क्या है, वेरी वाइज, बुद्धिमान है. दे हैव ग्रेट एंड सॉरी ग्रेट ऑब्जर्विंग, इनके पास क्या है, बहुत अच्छी निरीक्षण करना वैसा दिमाग है. एंड पावर, पावर में शक्ति है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति किसके पास है, इन स्कॉलर्स के पास है. ओके, दे आर ऑनेस्ट टू, और ये ईमानदार भी है. आई एम हैप्पी दैट, मैं बहुत खुश हूँ कि आई हैव सच वाइज मैन इन माई किंगडम, ऐसे बुद्धिमान लोग मेरे राज्य में हैं, मैं बहुत खुश हूँ. एज फॉर यू, और तुम्हारे लिए, लुक एट द मैन, आदमी से कहते हैं राजा उसके तरफ देखते हुए. आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, टू बी केयरफुल मीन्स ध्यान से, हमेशा क्या रहना आपको, केयरफुल रहना है. नेक्स्ट टाइम, अगले समय. आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, आदेश देता हूँ, टू गो, जाओ, एंड लुक फॉर, और देखो योर कैमल, फॉर योर कैमल मीन्स तुम्हारे ऊँट को खुद ढूंढो. कौन कहता है, किंग. लुकिंग एट द फोर स्कॉलर्स, अब देखिए चारों स्कॉलर्स के, विद्वानों के पास देखते हुए राजा क्या कहता है. आई मेक ऑल ऑफ यू, मैं तुम्हें बनाता हूँ, ऑल ऑफ यू, तुम चारों को, माई मिनिस्टर्स, मेरे मंत्री. आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, दैट यू विल बी वेरी हेल्पफुल. वेरी मीन्स बहुत, हेल्पफुल मीन्स मददगार, जो हेल्प करते हैं एक दूसरे की. ओके, इन रूलिंग, शासन करने में, द किंगडम मेरे साम्राज्य में, एंड सॉल्विंग सुलझाना, द प्रॉब्लम समस्याएं ऑफ माई पीपल, लोगों की. आई एम श्योर, मतलब कि मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि तुम लोग मेरी मदद करोगे मेरे राज्य में लोगों की समस्याएं सुलझाने में. ओके, नाउ आई एम रीडिंग दिस सीन टू, पे अटेंशन. सीन टू, द मैन टेक्स देम टू द किंग. द किंग इज सीटिंग ऑन हिज थ्रोन टॉकिंग विथ हिज कॉर्टियर्स. किंग से, लुकिंग एट दैम, वॉट ब्रिंग्स यू ऑल योर. मैन से, ओ किंग, दीज फोर मैन हैव स्टोलन माई कैमल, प्लीज ऑर्डर दैम टू रिटर्न हिम. सेकेंड स्कॉलर से, योर हाइनेस, वी हैव नॉट स्टोलन द एनिमल, इन फैक्ट वी हैव नॉट इवन सीन हिम. किंग से टू द मैन, How can you say that they have stolen your camel? Man say, bowing down, Your Majesty, they have described my camel exactly. If they have not seen him, how can they do so? King say, looking at the scholars, If you have stolen the camel, I order you to return him at once. Third scholar say, Oh Lord, believe us, we have not stolen the camel. We are honest men and not thieves. King say, then how is you know so much about the camel? Sorry, how do you know so much about the camel? Third scholar say, we learned about the animals from his footprints. Now see students, he is the king and here are the scholars and there is conversation between them. Okay, now next page. King say, surprising, from his footprints, how is it possible? First scholar say, you see, my lord, I noticed footprints of an animal on the muddy path. I observed that one footprint was lighter than the rest. I knew that the camel was lame in one leg. Second scholar say, I observed that only the leaves of trees on the left side of the road were eaten. Those on the right side untouched.
सो आई न्यू ही कुड नॉट सी विथ हिज राइट आई. थर्ड स्कॉलर से आई सॉ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स ऑन द रोड सो आई न्यू दैट हिज टेल वॉज टू शॉर्ट टू फ्लाई अवे इंसेक्ट्स. फोर्थ स्कॉलर से आई सॉ दैट वाइल हिज फ्रंट फीट वर प्लांटेड फर्मली ऑन द ग्राउंड हिंड फीट हैड बेयरली टच्ड इट दस आई गेस दैट दे वर कॉन्ट्रैक्टेड बाई पेन इन द कैमल्स बॉडी. किंग से वेरी इम्प्रेस्ड दिस मैन आर वेरी वाइज दे हैव ग्रेट ऑब्जर्विंग पावर दे आर ऑनेस्ट टू आई एम हैप्पी दैट आई हैव सच वाइज मैन इन माई किंगडम. एज फॉर यू लुक एट द मैन आई वॉन्ट यू टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम आई ऑर्डर यू टू गो एंड लुक फॉर योर कैमल. लुकिंग एट द फोर स्कॉलर्स आई मेक ऑल ऑफ यू माई मिनिस्टर्स आई एम श्योर दैट यू विल बी वेरी हेल्पफुल इन रूलिंग द किंगडम एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ माई पीपल. ओके नाउ एवरी वन प्लीज रीड दिस चैप्टर. नाउ वी विल स्टार्ट वोकैबुलरी पार्ट. पे अटेंशन एवरी वन. आई एम रीडिंग किंगडम अ कंट्री वेयर अ किंग और अ क्वीन रूल्स. स्कॉलर्स वाइज मैन लर्न पीपल ailment, disease, muddy, wet soil, observe, look carefully, contracted, band. Same word meanings I have written in my notebook. Pay attention. See, word meaning first. Kingdom, K-I-N-G-D-O-M. Kingdom, Rajya. A country where a king or a queen rules. कंट्री मीन्स देश वेयर जहाँ अ किंग राजा और अ क्वीन रानी रूल्स शासन करते हैं. ओके इट इज किंगडम. सॉरी आई हैव रिटन हियर इट इज राज्य. ओके नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्कॉलर्स एस ई एच ओ एल ए आर एस. स्कॉलर्स वाइज मैन लर्न पीपल विद्वान. ओके बेटा वाइज मैन मीन्स होता है स्कॉलर्स मीन्स वाइज मैन. ओके विद्वान. नाउ एलमेंट ए आई एल एम ई एन टी एलमेंट डिजीज डी आई एस ई ए एस ई डिजीज मीन्स रोग. नाउ नेक्स्ट फोर्थ मर्डी एम यू डबल डी वाई मर्डी वेट सॉइल कीचड़. फिफ्थ ऑब्जर्व ओ बी एस ई आर वी ई डी ऑब्जर्व लुक केयरफुली. निरीक्षण ओके हम गौर से देखते हैं है ना उसको क्या कहते हैं ऑब्जर्व. नाउ कॉन्ट्रैक्टेड बैंड सिकुडना सी ओ एन टी आर ए सी टी ई डी हाउ यू विल रीड कॉन्ट्रैक्टेड बैंड सिकुडना. नाउ नेक्स्ट टी एच आर ओ यू जी एच थ्रू द्वारा F O R E S T forest jungle worried W O R I E D worried chintit tha anywhere A N Y W H E R E anywhere kahin bhi L A M E lamb langda nodding N O D N G nodding sir ko hilate hue. Now next sightless S I G H T L E double S साइटलेस दृष्टिहीन. सरप्राइज एस यू आर पी आर आई एस ई डी सरप्राइज आश्चर्यचकित. ओके अगेन आई एम रीडिंग पे अटेंशन. फर्स्ट किंगडम अ कंट्री वेयर अ किंग और अ क्वीन रूल्स राज्य. स्कॉलर्स वाइज मैन लर्न पीपल विद्वान एलमेंट डिजीज रोग मर्डी वेट सॉइल कीचड़. ऑब्जर्व लुक केयरफुली निरीक्षण कॉन्ट्रैक्टेड बैंड सिकुडना थ्रू द्वारा फॉरेस्ट जंगल वरिड चिंतित था एनीवेयर कहीं भी लैम लंगड़ा नॉडिंग सिर को हिलाते हुए साइटलेस दृष्टिहीन सरप्राइज आश्चर्यचकित. ओके एवरीवन After watching this video, watch this video twice and write down word meanings 1 to 14 in your fair notebook. Okay, everyone?
एंड लर्न इट, आप इसको लर्न भी करोगे. आई विल आस्क यू एनी टाइम, मैं कभी भी आपको रिंग करके आपको कॉल करके पूछ सकती हूँ. सो प्लीज़ लर्न ऑल दिस वर्ड मीनिंग्स. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.